बस अगर दिल है तो प्रयागराज जो है ना वो धड़कन है उत्तर प्रदेश का। और देखिए कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ से, लायक ही नहीं हो किसी अच्छी चीज़ के आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो। भाई अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मत करो यार, इतना अच्छा लगता है ये रात को या शाम को जब लाइटिंग वगैरह होता है, तो ऐसे तोड़ो फोड़ो मत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग आ चुके हैं प्रयागराज के न्यू यमुना ब्रिज के नीचे। आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा न्यू यमुना ब्रिज। हालांकि सनलाइट है, सनरेज है, इसकी वजह से बहुत विजिबिलिटी क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए दोस्तों। इस यमुना ब्रिज के बारे में अगर बताएं तो ये जो यमुना ब्रिज है ये 2004 में कंस्ट्रक्शन हुआ था इसका। और इसके पीछे का रीज़न जो है वो आपको सामने दिख रहा होगा, पुल के नीचे से आपको एक और ब्रिज दिख रहा होगा, वो ओल्ड यमुना ब्रिज है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था, उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया है। और 2004 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, करीब ये 370 मीटर्स के आसपास इसका स्ट्रेचिंग है। और दोस्तों ये इंडिया में इसको कहा जाता है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है, केबल ब्रिज, सॉरी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। देख सकते हैं आप लोग, जैसे हावड़ा में केबल ब्रिज बना हुआ था, मतलब पुल के ऊपर बस तारों के ऊपर ये जो ब्रिज है पूरा लटकता है, बाकी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिया गया है पिलर्स का, तो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो आइए चलिए यहाँ के बारे में दिखाते हैं आपको और बताते हैं, और ऊपर से बताते हैं आप लोगों को चढ़ के ब्रिज के ऊपर से। बाकी यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ पे लोग आके व्यू वगैरह लेते हैं, यहाँ से फोटोज़ वगैरह कैप्चर कर सकते हैं, ऐसा कुछ बनाया गया है। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को और नज़ारा। तो दोस्तों हम लोग खड़े हैं न्यू यमुना ब्रिज के नीचे, और उसका ऑफिस आप लोग देख सकते हैं, नैनी ब्रिज इंफॉर्मेशन सेंटर करके यहाँ पर बना हुआ है, वही ब्रिज के नीचे ही बना गया है ऑफिस वगैरह। और देखिए पुल किस तरीके से कुछ इस तरीके से नीचे लगता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने टहलने बहुत सारे लोग आते हैं, और यहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी ये सारी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे उन भीड़ की वजह से जो है ना, यहाँ खाने पीने की बहुत सारी फास्ट फूड की स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, देख सकते हैं हम लोग। बाकी ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर नीचे यमुना ब्रिज के। फिलहाल चलते हैं ऊपर हम लोग और दिखाते हैं आप लोगों को ऊपर का भी नज़ारा। और ये सामने जो है ब्रिज है ना, ब्रिज के नीचे से जो इंफॉर्मेशन सेंटर है उसके जस्ट बगल से रोड, मतलब रोड क्या ऐसे ही एक स्पेस है सामने जाने के लिए। और साइड में आपको ये दाहिने साइड में मिंटो पार्क दिख रहा होगा, जिसे मदन मोहन मालवीय पार्क भी बोलते हैं। तो आइए चलिए ब्रिज के ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों का यहाँ का पूरा नज़ारा। तो ब्रिज के नीचे से ब्रिज के ऊपर जाने के लिए कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, इससे होते हुए लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ सकते हैं। और साथ में कुछ इस तरीके का यहाँ पे मतलब ऐसे अट्रैक्शन पॉइंट बनाया गया है, पता नहीं क्या ही है, किस यूज़ में आता है कुछ समझ में नहीं आया। हालांकि हो सकता है जब पानी भर जाता है ना तो लोग यहाँ आके व्यू लेते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे भी आप लोग देख सकते हैं। तो इस सीढ़ी से हम लोग चढ़ते हैं ऊपर यमुना ब्रिज के ऊपर। दोस्तों अगर आप बाइक से आते हैं तो यमुना ब्रिज के नीचे ये जो स्पेस था इन्फॉर्मेशन सेंटर, इसके पास आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं, सुरक्षित रहती है। हेलमेट मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपको मिलेगा नहीं। और बाइक आराम से आप खड़ी कर सकते हैं लॉक करके साइड में। और भाई ये आ चुके हैं हम लोग यमुना ब्रिज के ऊपर, देखिए यमुना ब्रिज का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पूरा केबल्स पर लगा हुआ है ये यमुना ब्रिज। आइए चलिए दिखाते हैं और आगे से आप लोगों को। भाई देख सकते हैं ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, ये केबल्स पे पूरा लटका हुआ है। और यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं सामने जो यमुना है, यमुना नदी है, उसका क्या नज़ारा आता है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये उधर आप लोग देख सकते हैं दाहिने साइड में ना जो है, उधर घाट वगैरह हैं, सामने अरैल घाट वगैरह हैं। हालाँकि विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा होगा प्रॉपर तरीके से। और संगम का जो क्षेत्र है, पहले तो आपको वो इलाहाबाद फोर्ट दिख रहा होगा सामने, बहुत हल्का हल्का दिख रहा होगा, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है। और वहाँ से ना आगे उसके संगम क्षेत्र वगैरह है, पूरा मेला लगता है वहाँ पे। हालांकि रात को ना इस ब्रिज के ऊपर से भी बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है, मतलब संगम क्षेत्र में जो लाइट वाइट है ना उसका बहुत ही ज़बरदस्त सीन दिखता है यहाँ से। और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ पुल के ऊपर से देखने को मिलेगा। देखिए यमुना का पानी कैसा है। और
भाई ब्रिज के ऊपर से ना कुछ इस तरीके से दिखता है ये केबल वाला ब्रिज। जैसा स्ट्रक्चर इस तरफ है वैसा ही स्ट्रक्चर आपको इस तरफ भी देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा ब्रिज है ना ये बस इन्हीं दो पोल पे खड़ा है, मतलब इन्हीं दो पोल की वजह से ये हैंग हो रहा है यहाँ पे इन वायर्स पे। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पे, देख लीजिए दोनों तरफ। और ये सामने आपको दिखेगा, आगे आपको अलाहाबाद फोर्ट दिख रहा होगा वो सामने, और उसके जस्ट बाद आपको संगम का मेला क्षेत्र दिखेगा। तो कुछ ऐसा इस तरीके का नज़ारा है। हालांकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, यहाँ पे लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बहुत सारा करते हैं, जैसे कि हम लोग भी कर ही रहे हैं भाई। लोग देखो लोगों को क्या दिक्कत है पता नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा ये जो राउंड वाला बल्ब है इसको लोगों ने फोड़ दिया है। मतलब क्यों फोड़ दिया है, क्या रीज़न है उसका पता नहीं भाई। जबकि रात को ये जलता है ना तो बहुत ही मस्त दिखता है एकदम। लेकिन कम से कम मैंने 5-7 तो ऐसे देखे हैं जिसको फोड़ दिया गया है, जिसमें बल्ब वगैरह निकाल ले गए हैं। और इसका ये देखिए यहाँ भी इसको भी फोड़ दिए हैं, बल्ब भी इसमें से निकाल लिए हैं, बस खाली वो वाइट वाइट बचा हुआ है बेचारा। देखिए यहाँ भी ये देखिए 2-3 तो यहाँ लगातार ऐसे हैं, मतलब उसको फोड़ के उसके बल्ब निकाल ले रहे हैं लोग, और मतलब एकदम बेकार कर दे रहे हैं यार। मतलब लायक ही नहीं हो किसी अच्छी चीज़ के आप लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो। भाई अगर ऐसा कोई कर रहा है तो मत करो यार, इतना अच्छा लगता है ये रात को या शाम को जब लाइटिंग वगैरह होता है, तो ऐसे तोड़ो फोड़ो मत। तो भाई आइए एक क्विक राइड जो है ना वो बाइक मोटो व्लॉगिंग का भी लेते हैं। देखिए यमुना ब्रिज का किस तरीके का नज़ारा है भाई, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, देख रहे हो आप लोग क्या सुकून है। मतलब अगर ये कहा जाए ना कि बनारस अगर दिल है यूपी का, तो प्रयागराज जो है ना वो धड़कन है, और उत्तर प्रदेश जो है वो प्रयागराज लखनऊ बनारस से ही मिलके बनता है भाई। इन सब जगहों पे मैं घूम चुका हूँ और यहाँ के बारे में मुझे पता है। ये देखिए किस तरीके का व्यू आ रहा है भाई, दोनों तरफ यमुना है और बीच में ये ब्रिज है, और वो आपको उधर यमुना का पुराना ब्रिज दिखेगा आपको दाहिने साइड में, जिस पे ट्रेन भी जाती है ऊपर से, और नीचे से बाइक और कार भी जा सकती है। हालांकि भारी वाहन वहां से जाना मना है, मतलब बैरिकेडिंग वगैरह लगा दिया गया है ऊपर से। बाकी भाई वीडियो यहाँ पे एंड होता है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक लास्ट तक देखा है तो भाई यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, इससे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए।